Hello and welcome to Legacy IS. So today in this episode, we are going to discuss about Hindenburg research report on Adani companies. लेकिन हम रिसर्च के बारे में इस एपिसोड में डिस्कस नहीं करेंगे. आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे कि एक्यूजेशन इस कंपनी के ऊपर भी है हिंडनबर्ग रिसर्च कि ये शॉर्ट सेलिंग कंपनी है. क्या है ये? शॉर्ट सेलर है. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शॉर्ट सेलिंग एंड व्हाट इज द रिस्क दैट इज एसोसिएटेड विद शॉर्ट सेलिंग. ये हम डिस्कस करेंगे. उस रिसर्च के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी हम ये जो शॉर्ट सेलर एक टर्म आया है न्यूज में, वो क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखो होता क्या कि नॉर्मल अगर हम स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, कोई कंपनी एक्स वाई जेड है, जैसे उस कंपनी का शेयर जैसे अभी इस समय आपका मिल रहा है 50 रुपीज का, 50 रुपीज पर शेयर, ये है कंपनी का शेयर. अभी क्या हुआ कि हम इस कंपनी के अगर 100 शेयर अगर खरीद लें तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, 100 × 50 = 5000 रुपीज हमको पे करना पड़ेगा इस शेयर. और हम ये शेयर क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज हमें ये लगता है कि इस कंपनी का जो शेयर है फ्यूचर में इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी. इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ेगी. जैसे अभी सिर्फ 50 रुपये पर शेयर है, ठीक है, और हमने 1000 शेयर उसके खरीद लिए हैं तो टोटल हमने कितना पे किया, 5000 रुपीज. लेकिन हमें ये लगता है कि अगले एक महीने में इस कंपनी का जो शेयर है वो 60 रुपीज का हो जाएगा और तब हम इस कंपनी के जो शेयर है वो हम बेच देंगे, या एक साल बाद इसका शेयर 100 रुपीज हो जाएगा तब हम उसको बेच देंगे. जैसे अगर उसका शेयर बढ़ के हो गया 60 रुपए का, 60 रुपीज का हो गया, तो अभी इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 60 हमारे पास 100 शेयर थे, टोटल वैल्यू हो गई 6000 रुपीज और हमने ये 6000 रुपीज में शेयर बेच लिए, तो हमको कितना बेनिफिट हो गया, बेसिकली हमको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का, 1000 रुपीज का हमको प्रॉफिट हो गया. ये है नॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग. सब लोग क्यों शेयर खरीदते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस का, विप्रो का, TCS के और टाटा मोटर्स का, करेक्ट. ये सब शेयर इसलिए खरीदते हैं कि हमको लगता है कि फ्यूचर में इनकी जो प्राइस होगी, शेयर प्राइस वो बढ़ जाएगी और उस समय हम इन शेयर को बेच देंगे तो हमें मुनाफा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा. ये है नॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, करेक्ट. तो ये नॉर्मल लोग करते हैं, बाई करते हैं, करेक्ट. नॉर्मल क्या कर रहे हैं, शेयर को बाई किया और फ्यूचर डेट पे जाके उसको सेल कर दिया टू गेट द प्रॉफिट, करेक्ट. दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, करेक्ट, इन द मार्केट. लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग में फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं और एक फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर टाइम पे हम उसको बेच देते हैं टू अर्न प्रॉफिट. क्या करते हैं, पहले हम उसको सेल करते हैं, फिर बाद में हम उसको बाई करते हैं. फिर आप पूछोगे कि जब हमारे पास शेयर है ही नहीं तो हम इसको सेल कैसे कर पा रहे हैं. एक एग्जांपल देते हैं शॉर्ट सेलिंग का क्या होता है. कोई आपका फ्रेंड ए है, उसके पास, कोई आपका एक फ्रेंड ए है, उसके पास एक आईफोन है, उसने आज वो आईफोन खरीदा है, उसने एक आईफोन खरीदा है आज, और उसने वो आईफोन खरीदा है कितना पैसा देके, 1 लाख रुपीज देके खरीदा है, करेक्ट. कब खरीदा है, मॉर्निंग में 10 AM पे, सुबह 10 बजे उसने एक आईफोन खरीदा है 1 लाख रुपए देके. आपको लगता है, आपको लग रहा है कि शाम को जब 5 PM होगा, किसी वजह से, किसी रीजन से इस आईफोन की प्राइस जो है ना वो 50,000 रुपीज हो जाएगी. कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपीज हो जाएगी. तो अभी आप क्या करोगे कि इस पर्सन का ना आईफोन आप उधार लोगे, क्या करोगे, आप इसका आईफोन बोरो कर लोगे शाम तक के लिए, उसको बोल दोगे हमको शाम तक के लिए, इवनिंग तक लिए आईफोन दे दो, और जाके आप मार्केट में ना कितने बजे, सेम 10:30 AM पे, क्योंकि अभी भी आईफोन का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपीज है, उसको आप सेल कर दोगे. क्या किया आपने, सेल कर दिया, करेक्ट, मार्केट में, और आपको कितना पैसा मिल गया, 1 लाख रुपए मिल गया. अब 1 लाख रुपए भी आपके हाथ में है, आईफोन आपके हाथ में ही नहीं, आपने वो आईफोन क्या किया, बेच दिया किसी को, और जो आपका फ्रेंड है उसने आपको उधार दिया था आईफोन, आपने वही आईफोन फिर से मार्केट में बेच दिया. फॉर एग्जाम्पल उस समय भी मार्केट में उस आईफोन की वैल्यू 1 लाख रुपए थी और किसी को चाहिए था क्योंकि उसको मिल नहीं रहा था, तो आपके हाथ में भी 1 लाख रुपए होगी क्योंकि आपने आईफोन बेच दिया. लेकिन अभी जो आपने आईफोन उधार लिया, आपको वो आईफोन वापस देना है, लेकिन जैसे ही 5 PM हुआ और मार्केट में पता चला आईफोन की प्राइस होगी 50,000 रुपीज, अब आप जो 1 लाख रुपए ये लेके मार्केट में जाओगे और वो आईफोन जो नया अभी
5 PM पे, क्या था 5 PM पे, जो अभी आईफोन 50,000 रुपीज का हो गया है वो आपने खरीद लिया है, क्योंकि अभी आपके पास 1,00,000 रुपए कैश है, तो अभी भी आपके पास कितना हो गया 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा बचा है, और आपने एक आईफोन भी खरीद लिया 50,000 में, और वो आईफोन आपने शाम को 5 बजे 5 o'clock पे अपने फ्रेंड को रिटर्न भी कर दिया, तो इसके पास भी आईफोन मिल गया वापस फिर से, और आपके पास 50,000 रुपीज का प्रॉफिट भी हो गया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग आपने क्यों की, क्योंकि आपको लग रहा था कि उस आईफोन की वैल्यू गिरने वाली है, इसीलिए आपने उस आईफोन को बोरो करके हाई प्राइस पे बेच दिया, और आफ्टर सम टाइम जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो जब आपने बेचा था जो आपको पैसा मिला है कैश, उस पैसे से आपने वो जो कम वैल्यू वाला प्रोडक्ट था खरीद लिया, एक्स्ट्रा पैसा जो बचा वो आपका प्रॉफिट हो गया। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये हमने एक ऐसा प्रोडक्ट की जैसे आईफोन है ऐसा बताया, लेकिन अगर हम इसी स्टॉक मार्केट में करते हैं तब ये शॉर्ट सेलिंग कैसे वर्क करती है। ओके, शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा उस समय, जैसे ये ब्रोकर है, ब्रोकर फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले जीरो था, ब्रोकर है करेक्ट। अब यहां पे आपने क्या किया है, ब्रोकर से आपने कुछ शेयर्स बोरो कर लिया, आपने कुछ शेयर्स बोरो किए एक्स वाई जेड कंपनी के, और उस कंपनी के जो शेयर है अभी मिल रहा है कितने में, 50 रुपीज पर शेयर, करेक्ट, इस ब्रोकर ने वो बोरो कर लिया। अब इस ब्रोकर के पास वो शेयर्स कहां से आए, कोई और एक पर्सन होगा जिसने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक्स वाई जेड कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे हुए थे, और उसने इस ब्रोकर को बोल दिया कि क्योंकि अभी हमें ये शेयर बेचने भी नहीं है, एक साल तक रखने हैं, तो आप इन शेयर को लेके किसी और को दे दो जाके, तो इससे इसको कुछ इंटरेस्ट अर्न मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट इसको फायदा हो जाएगा। वही ब्रोकर ने ये सारे शेयर जो है ना तुमको जाके बेच दिए, जाके मतलब बोरो लेंड कर दिया, तो आपने ये एक्स वाई जेड शेयर्स इस ब्रोकर से बोरो कर लिए, 50 रुपीज पर शेयर उसका चल रहा है, आपने टोटल 100 शेयर्स बोरो किए, 100 शेयर्स, तो आपको कितना पैसा देना पड़ा, बेसिकली आपको देना पड़ा है लगभग 5,000 रुपीज वो 100 शेयर्स के लिए, करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता था कि जो एक्स वाई जेड कंपनी का शेयर है वो गिरने वाला है, और अभी क्या हुआ, उस कंपनी का शेयर हो गया 40 रुपीज पर शेयर, करेक्ट, गिरने वाला 40 रुपीज पर शेयर हो गया, क्योंकि आपने वो 100 शेयर्स खरीद के बेच दिए थे, 5,000 रुपीज आपके पास ऑलरेडी कैश अभी पड़ा हुआ है, उस 5,000 रुपीज से आपने जो अभी एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर कम कीमत पे मिल रहे हैं ना, उसके आपने 100 शेयर्स फिर से खरीद लिए, करेक्ट, ये 100 शेयर्स खरीद लिए, आपको कितना पैसा देना पड़ा, 4,000 रुपीज आपको पे करना पड़ा, और ये जो आपने 100 शेयर्स खरीदे थे वापस से फिर से ब्रोकर को दे दिए, इस ब्रोकर ने उसको दे दिया जिसके ऑलरेडी ये शेयर थे, और आपको इस पूरे प्रोसेस में फायदा हो गया कितने रुपए का, 1,000 रुपीज का, यू गॉट द प्रॉफिट, करेक्ट, यू गॉट द प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली आपको तब फायदा होगा, कब फायदा होगा, जब उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस कम होने वाला है, तो जैसे जब पहले इसका जब आपने बोरो किया था उस समय उसका जो शेयर प्राइस था पर शेयर वो 50 रुपीज था, लेकिन जब आपने 50 रुपीज में लेके आपने बेच दिया, और क्या हुआ था, क्योंकि तभी आपने पेमेंट नहीं किया था, आपने 50 रुपए के पर शेयर के 100 शेयर लेके बेच दिया, आपके जेब में आ गया 5,000 रुपीज, लेकिन आफ्टर सम टाइम वही कंपनी के जो शेयर 40 रुपए में मार्केट में मिल रहा है, आपने वो 40 रुपए का शेयर 100 शेयर खरीद के 4,000 रुपीज आपने पे करके वो 100 शेयर वापस से बोरोवर जहां से लिया था ब्रोकर को दे दिया, ब्रोकर ने वापस किसी और को दे दिया जहां से ब्रोकर लाया था, तो आपको इस पूरे प्रोसेस में 1,000 रुपीज का फायदा हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग में उनको फायदा दिख रहा है ना यहाँ पे, सो इट इज विजिबल कि वी आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट ऑफ 1,000 रुपीज। लेकिन सोचो कि जो अभी इसका जो शेयर था 40 रुपीज का हुआ है, अगर ये 40 रुपीज का नहीं होता, अगर ये 50 रुपीज का शेयर जो अभी 40 का हो गया वो ना होके अगर वो शेयर का जो कीमत है वो बढ़ जाता, तो अगर इसका जो कीमत है 50 रुपीज था, अगर ये 50 रुपीज ना होके अभी कितना हो जाता, 60 रुपीज हो जाता, ये कितना हो गया 60 रुपीज पर शेयर, करेक्ट, 60 रुपीज पर शेयर हो जाता अगर इनकी, क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि ये जो शेयर है इसका वैल्यू
कम होगा इसीलिए आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर वो कम ना होके बढ़ जाता 60 रुपीज पर शेयर हो जाता, आपको फिर भी खरीदने पड़ते। क्यों? क्योंकि आपने वो शेयर्स 100 शेयर्स ब्रोकर से उधार लिए हैं और आपको वो ब्रोकर को वापस देने ही पड़ेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में उस शेयर की कितनी वैल्यू है। तो 60 रुपीज का शेयर हो गया और आपने कितने बोरो किए थे? 100 शेयर्स। आपको मार्केट से 100 शेयर्स खरीदने हैं, आपको कितना पे करना पड़ेगा? 6000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। आपके पॉकेट में कितने आए थे? 5000। हाउ मच आई यू नीड टू पे? 6000। तो कितना लॉस हो गया आपको? -1000 रुपीज। तो मतलब आपको 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो शॉर्ट सेलिंग हमेशा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। शॉर्ट सेलिंग तभी प्रॉफिटेबल होगी जब उस स्टॉक का प्राइस कम होगा। अगर उस स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो आपको शॉर्ट सेलिंग में नुकसान होगा और लॉस होगा। दूसरा बात, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म मतलब नॉर्मल इन्वेस्टिंग, करेक्ट? आप हमको नॉर्मल इन्वेस्टिंग, नॉर्मल मतलब कि जब आप बाई करते हो कोई स्टॉक और बाद में आप सेल करते हो तो जो आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये नॉर्मल इन्वेस्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, इस केस में जैसे आपने कोई स्टॉक ओके 100 रुपीज का खरीदा, 100 रुपीज पर शेयर, और तो उसकी जो प्राइस है वो कितना कम हो सकती है? टोटल प्राइस कम हो सकती है 0 तक बस। तो आपका जो टोटल लॉस है, लॉस वो कितना हो सकता है? 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इतना ही आपको लॉस हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि आपने 100 रुपीज का शेयर खरीदा था। उस 100 रुपए के शेयर की वैल्यू कितनी कम हो सकती है? 0 तक बस, माइनस तो कभी नहीं जाएगी। तो आपको टोटल लॉस कितना हो सकता है? ओनली 100 रुपीज। दैट मींस जो आपका लॉस है वो लिमिट कितने तक है? आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू के जितना। लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? प्रॉफिट कितना हो सकता है कि जो 100 रुपीज का जो शेयर है इसकी वैल्यू 110 भी हो सकती है, 120, 130, इवन 1000 रुपीज, इवन 10000 रुपीज, कितना भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि शेयर की प्राइस कितनी भी बढ़ सकती है, मल्टी बैगर हो सकता है। तो इस केस में प्रॉफिट जो आपका है वो क्या है? अनलिमिटेड। यह है नॉर्मल इन्वेस्टिंग में। लॉस लिमिटेड है, जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी उतना लॉस होगा। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, ये कब? जब आप नॉर्मल इन्वेस्ट करते हो। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग में होता है कि आप क्या करते हो, कोई पहले सेल कर देते हो बोरो करके और बाद में आप बाई करते हो। इसमें आपको प्रॉफिट होता है। कब प्रॉफिट होगा? जब उस जो भी आपने बोरो किया था स्टॉक उसकी वैल्यू कम होगी। तो इसके केस में आपको प्रॉफिट कितना हो सकता है? जैसे कि एग्जांपल, उस स्टॉक की टोटल प्राइस जो है 100 रुपीज चल रही पर शेयर, 100 रुपीज, तो 100 रुपीज चल रही है ना, करेक्ट? तो इसका कितना मतलब इसका वैल्यू डाउन हो सकता है, क्योंकि जितना वैल्यू इसका कम होगा आपको उतना ही फायदा होगा शॉर्ट सेलिंग में। सिंपल, अगर इसकी 90 हो गई तब वो 10 रुपीज का फायदा हो जाएगा, अगर आपका 80 हो गया तो 20 रुपीज का फायदा हो जाएगा। तो इस केस में जो प्रॉफिट है वो कब तक होगा? जब तक उस स्टॉक की वैल्यू डाउन होती रहेगी। और इस स्टॉक की वैल्यू कितनी तक डाउन हो सकती है? ओनली 0 तक। तो कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको टोटल? 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट वैल्यू, इतना आपको प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट? लेकिन शॉर्ट सेलिंग में मैंने बताया था कि अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी आपको घाटा होगा। तो अगर ये स्टॉक की वैल्यू 100 की जगह 110 हो गया, 120 हो गया, 130 हो गया, 1000 रुपीज हो गया, 10000 रुपीज हो गया, तो आपको क्या हुआ? स्टॉक की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। और कब तक बढ़ सकती है? वी डोंट नो कितनी तक बढ़ सकती है। तो इस केस में जो आपको लॉस हो रहा है ना, लॉस वो लॉस हो गया आपका अनलिमिटेड। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है? लॉस हो जाता है अनलिमिटेड। देखो, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में आपको तब कब फायदा होगा? जब किसी स्टॉक की वैल्यू कम होगी तभी। और लॉस कब होगा? जब उस स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसमें देखो लॉस अनलिमिटेड हो गया। वही देखो, पिछले लास्ट केस में हमने देखा था जब नॉर्मल इन्वेस्टिंग कर रहे थे उसमें लॉस कितना था? 100%, दैट इज लॉस वाज लिमिटेड एंड प्रॉफिट वाज अनलिमिटेड। और यही देखो शॉर्ट सेलिंग के केस में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट इज
लिमिटेड एंड लॉस इज अनलिमिटेड। तो ये शॉर्ट सेलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपका शॉर्ट सेलिंग में जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि शॉर्ट सेलिंग करते क्यों, जब इतना रिस्क है, क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड है ना, रिस्क अनलिमिटेड है तो इसलिए करते क्योंकि उनको लगता है कोई स्टॉक जो है ना वो ओवर वैल्यूड है, मतलब जितनी उसकी मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए थी उसके फंडामेंटल के हिसाब से, उसके रेवेन्यू के हिसाब से, उसके प्रॉफिट के हिसाब से, उसके बैलेंस शीट के हिसाब से, वो उसकी वैल्यू अभी नहीं है, वो जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है, करेक्ट। जैसे वो 10 रुपए का होना चाहिए स्टॉक, 10 रुपीज का, बट वो स्टॉक अभी कितने का है, 100 रुपीज का चल रहा था, आपको लगता है कि नहीं उसकी वैल्यू 10 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी 100 रुपीज का चल रहा है तो आपको लग रहा है ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो 100 रुपीज से इसकी वैल्यू किसी भी दिन कम हो सकती है, इसलिए लोग इसको शॉर्ट सेल करते हैं ऐसे स्टॉक्स को, करेक्ट। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, जो ओवर वैल्यू नहीं होते हैं, उन स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उसमें आपको लॉस ही होगा। टू टाइप्स के शॉर्ट सेलर भी होते हैं, करेक्ट। एक जो नॉर्मल शॉर्ट सेलर होते हैं, नॉर्मल शॉर्ट सेलर, एक हम होते हैं फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर। नॉर्मल शॉर्ट सेलर क्या होते हैं कि ये लोग सिर्फ किसी कंपनी एक्स वाई जेड किसी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, करेक्ट, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और फिर उनको पता चलता है कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है बहुत ज्यादा, एंड देन दे डू शॉर्ट सेलिंग। जो फोरेंसिक शॉर्ट सेलर होते हैं ये क्या करते हैं, ये उस स्टॉक पे रिसर्च करते हैं एंड उस रिसर्च को दे पब्लिश, देन दे कन्विंस पीपल, दे कन्विंस पीपल कि दैट पर्टिकुलर जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है। क्या करेंगे लोग, ये रिसर्च करेंगे, उस रिसर्च को पब्लिश कर देंगे, तो इससे लोगों को लगेगा कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, सारे लोग उस रिसर्च रिपोर्ट को पढ़ के दे स्टार्ट सेलिंग दैट स्टॉक इफ दे ओन। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि सप्लाई ऑफ दैट स्टॉक विल इंक्रीज और ऑटोमेटिकली उस स्टॉक की प्राइस कम होने लगी, क्योंकि डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली उस स्टॉक की वैल्यू कम होने लगेगी और यहीं पे ये लोग शॉर्ट सेल कर देंगे। क्यों, बिकॉज मैंने बताया था शॉर्ट सेल कब करते हैं, जब किसी स्टॉक की वैल्यू तुम्हें पता है कि उस स्टॉक की प्राइस जो है ना फ्यूचर में कम हो सकती है, तब शॉर्ट सेलिंग होता है। तो इन लोगों ने पहले क्या किया, यही चीज कर दिया कि इन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च को पब्लिश कर दिया, पीपल को कन्विंस कर दिया, लोग जो जो उस कंपनी का स्टॉक अपने हाथ में लिए हुए थे वो बेचना शुरू कर दिए, जिससे उस कंपनी के स्टॉक का जो सप्लाई मार्केट में वो बढ़ गया, उसकी स्टॉक प्राइस कम होने लगी और इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया। ये होता है फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर। तो जो हिडनबर्ग, जो कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च, ये कंपनी बेसिकली नॉन है फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर के नाम से। तो ये अडानी पहला ऐसा नहीं जिसके साथ इसने किया है, ऐसा एक पहला और निकोला करके कंपनी थी, अगेन उसका फंडामेंटल भी वीक था कंपनी का, उसके साथ भी शॉर्ट सेलिंग किया है, करेक्ट। तो अगेन हिडनबर्ग रिसर्च इज नॉट ओनली कंपनी, अदर कंपनी इज ऑल्सो देयर एग्जाम्पल, मडी वाटर ये भी यही काम करते हैं, सिट्रॉन रिसर्च, ये फ्यू कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, इनको बोलते हैं फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर, करेक्ट। तो अभी आपको शॉर्ट सेलिंग समझ में आ गया होगा, करेक्ट। तो ये हमने इसलिए कवर किया था बिकॉज ये न्यूज में था हिडनबर्ग रिसर्च, और हिडनबर्ग रिसर्च के ऊपर भी एक्यूज होके लगते हैं कि ये शॉर्ट सेलर है, तो इसके बारे में हमने समझा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, थैंक यू।